गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इंटरनेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को झारखंड जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक झारखंड एक परिचय के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसके दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से झारखंड के हर एग्जाम में दो या चार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो चलिए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग जानते हैं। झारखंड एक परिचय। झारखंड का नामांकन यहां की जंगल झाड़ की बहुलता के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा। आगे देखते हैं, झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। यह 15 नवंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि हमारे महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का जन्मदिन इसी दिवस को मनाया जाता है, और इसी महत्वपूर्ण दिवस को हम लोग झारखंड के स्थापना दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची है, जो कि झरनों की गोद में बसा हुआ है। झारखंड की उपराजधानी दुमका है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है। झारखंड झारखंड भारतीय संघ में इसका स्थान 28वां है। इसकी राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। अन्य द्वितीय राजकीय भाषा संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, पंच परगनिया, कुड़ुक इत्यादि झारखंड का उच्च न्यायालय रांची में स्थित है, जो देश का 21वां उच्च न्यायालय। अब आगे हम लोग देखते हैं झारखंड का भौगोलिक परिचय।
झारखंड की भौगोलिक स्थिति या भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट है। पूर्वी देशांतर आगे देखते हैं। इसकी चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम की ओर 463 किलोमीटर है और इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर है। भौगोलिक सीमाएं, झारखंड की भौगोलिक सीमाएं जो है 5 राज्यों को छूती है। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। यहां लिख देते हैं उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में आपका है छत्तीसगढ़ और यूपी। यूपी जो है तीन जिलों से घिरा हुआ है जिसमें आपका आता है पलामू, गढ़वा और बिहार। आगे देखते हैं राज्य का आकार। राज्य का आकार जो है चतुर्भुजाकार है। क्षेत्रफल, झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर है और शहरी क्षेत्रफल 1,792 वर्ग किलोमीटर है। अब आगे देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा परमंडल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा परमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है।
और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा परमंडल पलामू, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला रामगढ़, यहां की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर है और यहां का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस है। और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं कुल कृषि योग्य भूमि। अड़तीस लाख हेक्टेयर। इसमें आपका जो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र 18.07 हेक्टेयर और कुल संचित सिंचित क्षेत्र 1.95 लाख हेक्टेयर है। कुल वन है 23,478 वर्ग किलोमीटर है जो कि परसेंटेज में 29.61% है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब इसके आगे जो है परमंडल के बारे में जानेंगे एक एक करके और उनके जिले के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।